ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਡੀ लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमा। जुनैद और नासिर को न्याय दिलाने के लिए अब मुस्लिम समुदाय ने कमान संभाल ली है। जुनैद और नासिर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर चुका है। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और एक ही मांग कर रहा है कि जुनैद और नासिर के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और जुनैद और नासिर को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। और इसी के साथ हरियाणा पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर चुका है और अब जुनैद और नासिर को लेकर न्याय की मांग कर रहा है। इसी के साथ कई तरह के इल्जाम पुलिस प्रशासन पर भी लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आ रही हैं हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से, जहां पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, अलग अलग तरीके के प्लेकार्ड्स लेकर के जुनैद और नासिर को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। हरियाणा पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया है और लगातार लोग जो है, भीड़ जो है वो आप देखेंगे किस तरीके से लगातार लोग उतरकर सड़कों पर सिर्फ एक की बात कह रहे हैं कि जुनैद और नासिर को न्याय दिया जाए और उनके हत्यारों को सजा दी जाए। कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने, तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए पत्रकार सुमेधा का। सुमेधा यहां पर तस्वीरें शेयर करती हैं, तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट करती हैं, फ्रॉम द ग्राउंड नासिर और जुनैद के लिए न्याय की मांग को लेकर हजारों की भीड़, हरियाणा पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया। आप तस्वीरें देखिए, वीडियोस देखिए किस तरीके से लोगों का जो गुस्सा है, लोगों में जो आक्रोश है, जो मायूसी है, वो साफ साफ देखी जा रही है कि किस तरीके से एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो होती जा रही हैं और किस तरीके से इस पर पूर्व कार्रवाई होती है वो भी आप जानते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई का जो है किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय जो है वो सड़कों पर उतरकर अब जुनैद और नासिर के लिए न्याय की मांग कर रहा है। देखिए तस्वीरें। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर जुनैद और नासिर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रशासन पर कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तमाम पत्रकारों की ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सुमेधा का ट्वीट, एक और ट्वीट देखिए जिसमें दूसरा वीडियो शेयर करके उन्होंने लिखा है, फिरोजपुर झिरका नासिर और जुनैद के लिए न्याय की मांग करते हुए लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर बसों टेम्पो पर खड़े हो रहे हैं और कई तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। जो लोगों का हुजूम, जो लोगों की भीड़ है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, नौजवान, युवा जो हैं वो अब सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ सजा के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से लोगों में गुस्सा, लोगों में आक्रोश, मायूसी जो है आंखों में साफ साफ देखी जा सकती है। एक के बाद इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर किस तरीके से गौरक्षा के नाम पर किस तरीके से लोगों को जो है पीट पीट कर मार दिया जाता है और उसको लेकर कार्रवाई क्या कुछ होती है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और अब मुस्लिम समुदाय जो है वो खुद ही जो है सड़कों पर उतर कर न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो इन तरह के मामलों में अक्सर देखी जाती हैं। आरोपियों के समर्थन में पंचायतें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, लगातार उनके समर्थन में भाषण भी दिए जा रहे हैं। खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जाकिर अली त्यागी ने एक वीडियो शेयर किया है, वो देखते हैं। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, फिरोजपुर झिरका में नासिर जुनैद को न्याय दो की मांग लिए सड़कों पर मुसलमान। आज हरियाणा का मुसलमान गौ आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहा है, तो क्या गलत है? क्या हिंदू समाज को इस आतंक के खिलाफ आगे नहीं आना चाहिए या ये दर्द सिर्फ मुस्लिम का है, उसका ही रहने देंगे? तो
जाकिर अली त्यागी जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से आज ये जो गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की जाती है उसके खिलाफ आज मुस्लिम समुदाय जो है सड़कों पर उतर चुका है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लोगों की भीड़ देखिए और लोग किस तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, देखिए तस्वीरें। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है अब हरियाणा में गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की जाती है, जिस तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाद किस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, इससे आप अच्छे से वाकिफ है। उसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय जो है वो आज सड़कों पर उतर चुका है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी का दूसरा ट्वीट देखिए, इसमें दो वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा है, हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में नासिर जुनैद को इंसाफ दो की मांग के लिए हजारों लोग सड़कों पर, पुलिस द्वारा हत्यारोपियों पर कार्रवाई का ना होना बन गया है बड़ा सवाल। सवाल के अंदर एक और सवाल है कि पुलिस पीड़िता का साथ देगी या हत्यारोपियों का संरक्षण देगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुनैद और नासिर हत्याकांड ने कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, लगातार जो है मोनू मानेसर जो कि आरोपी है उसको लेकर लगातार हिंदू पंचायतें हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं, एक के बाद एक पंचायतें हो रही हैं और इसी के साथ उनके समर्थन में रैलियां की जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। इसी के साथ पत्रकार सुमेधा ने एक और वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है वो दिखाते हैं, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में जो मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, आप उनकी आंखों में वो गुस्सा देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई ना करने पर उनको जो है सड़कों पर उतरना पड़ा और इसी के साथ लगातार नारेबाजी भी हो रही है। क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। सुमेधा ने ट्वीट किया है, फिरोजपुर से, नासिर को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जुनैद न्याय चाहता है, इस तरह की नारेबाजी की गई। इसी के साथ नासिर और जुनैद की हत्या के विरोध में फिरोजपुर झिरका में हजारों लोग इकट्ठा हुए। जो वीडियो सुमेधा ने शेयर किया है वो वीडियो देखिए, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, देखिए वीडियो। तमाम तस्वीरें आपने देखी हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से जो सामने आ रही, हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर गए और अब जो है गोरक्षा के नाम पर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की जाती है, जिस तरीके से हत्या की जाती है उसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर दर्ज करवा रहे हैं। दूसरी तरफ इन तरह के मामलों में एक चीज देखी जाती है कि आरोपियों के खिलाफ जो है, आरोपियों के समर्थन में जो है नारेबाजी की जाती है, आरोपियों के समर्थन में भाषण दिए जाते हैं, आरोपी के समर्थन में महापंचायतें की जाती हैं। खबर कि आप द वायर की खबर है, लिखा है मोनू मानेसर के समर्थन में दूसरी हिंदू महापंचायत, मुस्लिम विरोधी हिंसा का आह्वान। तो मोनू मानेसर के समर्थन में लगातार महापंचायतें की जा रही हैं, दूसरी महापंचायत भी हो चुकी है जिसमें कई तरह की बातें की जा रही हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है गोरक्षक मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा के हतीन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा 22 फरवरी को बुलाई गई दूसरी हिंदू महापंचायत में मोनू के खिलाफ कार्रवाई करने पर मुस्लिमों और पुलिस के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान किया गया है। कार्यक्रम में पूरे उत्तर भारत से बजरंग दल, विहिप और हिंदू सेना के 400 से अधिक सदस्यों और नेताओं ने भाग लिया है, इसमें स्थानीय लोगों ने भी शिरकत की है। तो दूसरी महापंचायत जो है वो मोनू मानेसर के समर्थन में हो चुकी है और किस तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाती है, उनके समर्थन में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये तमाम केस में, तमाम मामलों में हम देख चुके हैं, चाहे कोई भी मामला हो। तो इस तरीके से ये बड़ा सवाल जो है खड़ा करता है प्रशासन पर कि प्रशासन आखिरकार कब जागेगा और कब इस तरह की चीजों पर, इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से सामने आ रही है कि मुस्लिम समुदाय जो है अब खुद सड़कों पर उतर चुका है और जुनैद और नासिर को न्याय दिलाने की मांग जो है उन्होंने खुद इस कमान को संभाल लिया है। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरीके से आगे क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों, ये तो देखने लायक रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है
कि पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा या फिर किस तरीके से, जैसा कि जाकिर अली त्यागी ने सवाल किया कि वो संरक्षण देगा आरोपियों को या फिर उनके उनके खिलाफ जो न्याय मांग रहे हैं, जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनका साथ देगा। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? जुनैद और नासिर को लेकर जिस तरीके से मुसलमान सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, सबको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। The Life TV, सच सबसे आगे।